प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। आरजीगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मुख्य आरोपी, वहां जो वारदात हुई उसके मुख्य आरोपी के घर पर हम हैं। उनकी मां अकेले रहती हैं अपने घर में, बुजुर्ग हैं, और हम जब यहां पर आए तो यहां पर त्यौहार आज है, झूलन का त्यौहार, उसकी वो तैयारी कर रही थी, अकेले ही बैठी थी, और भोग चढ़ाने के लिए ये सब्जी बनाया है उन्होंने, और कह रही हैं कि जो परिस्थिति है उसमें भी भगवान को भोग लगाना है, इसलिए मैं काम कर रही हूँ। माता जी, कौन कौन आपके परिवार में है और कितने बच्चे हैं आपके? हम जो 4 बेटी है, 1 बेटा है, तो 2 बहू भी गुजर गया, हस्बैंड भी गुजर गया, और बेटी भी गुजर गया, 3 आदमी गुजर गया, अब यही लेके तो चल रहे। अपने बेटा जो आपका है संजय राय, इसकी सारी बातें आपको पता लगी कि क्या कुछ इसने किया है? नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं है, और ऐसा है नहीं, इतना अच्छा लड़का जो ऐसा सुनने मिल रहा, बहुत खराब लग रहा, अपने को भी तो खूब खराब लग रहा ना। एक तो पिताजी रहता तो कोई बात की चिंता नहीं होता, क्या बताएंगे, बोलिए। कभी ऐसा कुछ सुनने में आया था पहले, कभी कोई अपराध किया था उसने? कुछ नहीं, बॉक्सिंग खेलता रहा, स्कूल जाता आता रहा, काम में सब खेला धूला सब, इतना अच्छा था उनका भी। और अभी बेटा के ऐसा हुआ, हमको भी बहुत तजुब लग रहा, तबीयत भी हमारा भी तो दिन पर दिन खराब होते जाता है, ऐसे टेंशन में। सब कोई बोलता है थोड़ा बहुत खाओ खाओ, अंदर में ढुक रहा भी नहीं। क्या करता था आपका बेटा ये संजय राय? सुना था तो पुलिस में काम करता था, और इससे हम तो कुछ नहीं जानता। आपको क्या बताया था उसने? हमको कुछ नहीं बताया था, काम में जाता रहा आता रहा, बहन लोग भी खाना वाना बना बना के देता रहा, बोलता रहा पुलिस में काम है, यही सुना है। पुलिस में वॉलंटियर था? वॉलंटियर ही मालूम है, आप तो सुन रहे हैं, आप लोग के ही मालूम होगा। आपको यही पता था कि पुलिस में काम करता? हाँ, पुलिस में काम करता। तो कुछ पैसे भी लाता था घर पे? नहीं, वो बाजार हाट होता रहा, जैसे भाई बहन मिलके करता रहा। आपको कभी पैसे देता था वो? हमरा कभी दरकार लगता रहा तो लेते रहे, देता रहा, पैसा देके का करेंगे, सब कुछ तो ला के दे रहा, हम उनको का ही करेंगे। वो थोड़ा बहुत चाहो हमको लाने का मांग लेते रहे, हाथ तो छोड़ना नहीं ठीक है, बोलिए बेटा है, हक रखना जरूरी है ना, ना तो बोलेगा का, वो पैसा का हुआ नहीं हुआ उनका बीवी जानता था, हम कैसे बोलेंगे, उनका वाइफ है, वाइफ जितना जानेगा उतना तो हम लोग नहीं जानेंगे। तो संजय राय रॉय की पत्नी जिंदा है? नहीं, वही तो, ये उनकी पत्नी की तस्वीर है, अब ये नहीं रही। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा से काम कर उड़ के। कितने साल हो गए संजय राय की पत्नी को मरे? इतना तो हमको मालूम नहीं, साल लगेगा। क्या हुआ था उनको? कैंसर, कैंसर में चला गया, बहुत कोशिश किया नहीं सका, इसका कोई गारंटी नहीं है, कैंसर और टीबी का कोई गारंटी नहीं है। आप माँ हैं, इतना बड़ा आरोप लगा है आपके बेटे पे, तो क्या आपको लगता है कि ऐसी प्रवृत्ति पहले थी? ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा, जो ऐसा इतना बड़ा घटना, 3-3 घटना सुना, बहुत खराब लग रहा, ऐसा कर सकता है? जिसका 4 बहन, 2 गुजर गया, बाप गुजर गया, उनका भगना भगनी, कोई अपना करियर खराब कर सकता है? सबको तो सोसाइटी बनाने के लिए कोशिश करता है, बिगाड़ने के लिए, मगर आदमी लोग भी कि कैसा हो गया नहीं हो गया, सब आ रहा हमसे पूछ रहा, हमको तो कुछ मालूम नहीं है। देखिए उनका संग संग तो हम नहीं, जब तक ले स्कूल कॉलेज पढ़ा तब तक ले हम ले सबको लेके जाते आते रहे, किसी को अकेले नहीं छोड़ते थे। आज आपके लिए महत्वपूर्ण दिन है, आज आपका शादी का विवाह की वर्षगांठ भी है। कितना
कितना खुशी का दिन में हम कितना दुखी है बताइए ना। आज कोई बहन रहता तो हमको मालूम नहीं था जितना उम्र में इतना सुनने पड़ेगा, बाहर भी तो सुनने पड़ेगा, खराब लगता नहीं है। बोलिए भैया। और बहुत हैटक में हम लोग मारा, मम्मी जी चला गया, छोटा भाई चला गया, बड़ा भाई चला गया, कितना मेरा माथा में हैटक है। छोटा भाई, बड़ा भाई, बुनोई चला गया, बहन चला गया, माँ चला गया, ननद चला गया, देवर चला गया, सबको अटेंड करते गया करते गया। आज आपका विवाह की वर्षगांठ है। আমার বিয়ের তারিখ হচ্ছে 15-30, বাংলার 15, ইংরেজের 30, বৈশাখ মাসে হয়েছিল। আপনি যাব শোনা কি আপকে বেটে কো ইতনি ঘোর অপরাধ উসনে কিয়া হ্যায় উসমে ও পকড়া গিয়া হ্যায় তো আপকে মন মে আভি কিয়া আতা হ্যায় কি एक माँ के नाते आप उसको बचाना चाहती हैं या उसकी सजा देना चाहती हैं? है, बचाना तो जरूरी है, बहन लोग के तो फूट करना नहीं है ना, तो बहन लोग भी तो बोलेगा क्या ऐसा माँ है, भगवान के पुकार दे भगवान, कोई रहता उसका। उस बेटी की भी तो अपनी एक माँ होंगी। कौन बेटी? जिसके साथ आपके बेटे ने इतना अपराध किया उसकी माँ पर क्या गुजरती होगी? माँ देखिए, उनका माँ पर भी तो गुजर रहा, हम भी जैसा उनको भी वैसी है। ऐसा जो किस्मत हम लोग के होगा, मिल होना चाहिए कि हम लोग के ऐसा दुख पड़ा गया। उन तो माई रोए जिंदगी भर, बेटी रोए 6 महीना और उसी पड़ोसी घड़ी घंटा है ना। बोलिए, बहू देखने खातिर तरसता है, बच्चा भी नहीं है। अच्छा एक तो शादी होता, ठीक है बहू मर गया, फिर एक तो शादी उदी करता, घर बसता, तो ही ना फैमिली बनाता, किंतु फैमिली भी बनाने नहीं सका। क्या बोलेंगे आप लोग इसे शादी के लिए दोबारा कहते थे? ना हम नहीं बोलते थे, उनका बाबा हमको कुछ नहीं बोलने देता रहा, बोलता तुम खाली पढ़ाई लिखाई के वो लोग के स्टैंडर्ड बना दो, हम स्टैंडर्ड साथ। अब क्या होगा अब बताइए ना आप लोग, बोलिए भैया हमारा तो कौन है यहाँ, हम तो यहाँ के बहू है, अब हमारा सब निपटा गया, हम अकेले। बोलिए भैया आप क्या बोलेंगे? बोलने जैसी स्थिति नहीं है, एक माँ पर क्या गुजर सकती है ऐसी स्थिति में। यहाँ पर आरोपी की माँ हैं, अकेले हैं, और ये कह रही हैं कि इस घटना से वो शर्मसार हैं, दुखी हैं, और इससे ज़्यादा क्या कहें।